मेथी के डोनट यानी कि मेथी के ढोकले बनाने के लिए हाफ कप मेथी को यहाँ पे वॉश करके कट करके एक खाली बाउल में लिया है। तो अब हम इसमें वन बाय वन मसाले ऐड करते जाएंगे। ये हैं कड़ी पत्ता, जीरा और ग्रीन चिली का कोर्स मिक्सचर, क्योंकि इससे ना कड़वाहट कम होती है, इसलिए ये मिक्सचर मैंने ऐड किया है। अब जो मसाले आपको दिख रहे हैं वो वन बाय वन हम ऐड करेंगे, और मेन फोकस क्या रहेगा कि तीखा नहीं बनाना है इन ढोकलों को, थोड़ा चटपटा बनाना है और खट्टा मीठा बनाना है। ओके, इसलिए आमचूर पाउडर और गुड़ मैंने डाला है। अब बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ढोकले, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। सो 5 मिनट के बाद डो को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि वो हाथों को चिपकेगा नहीं फिर, और उसके छोटे छोटे पेड़े बना के उसको डोनट का शेप दे देंगे। तो अब सारे ढोकले रेडी हो गए हैं। एक कढ़ाई में यहाँ पे मैंने पानी गरम किया है और इस प्लेट को पहले ही ऑयल से ग्रीस करके रख दिया था। अब सारे ढोकले हम स्टीम करके लेंगे 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसे डोनट का एक्चुअल लुक देने के लिए इस पे हम ड्राई कोकोनट रोस्ट करके लिया है मैंने, वो इस पे अब डेकोरेट करूंगी ताकि इसको एक्चुअल डोनट का लुक आ जाए। नाउ आवर डोनट यानी आवर मेथी का ढोकला इज रेडी टू सर्व। सो ये गर्मा गर्म ढोकले पे होममेड घी डाल के खाएंगे, बहुत यम्मी लगता है।